नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें घायल पुलिसकर्मी से मिलने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अस्पताल वो पहुंचे हैं और जितने भी घायल पुलिसकर्मी थे उनका हालचाल जाना है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अमित शाह सभी घायल पुलिसकर्मी से मिलने पहुंचे हैं, उनका हालचाल जाना है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात और आपको बता दें कि लुकआउट नोटिस जारी हो गया है किसान नेताओं के खिलाफ। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर एक पुलिस टीम वहां पर पहुंची है लुकआउट नोटिस देने। राकेश टकैत के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लुकआउट नोटिस जारी हो गया है किसान नेताओं के खिलाफ। लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पहुंची है और ऐसे में जो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे उनसे मिलने अमित शाह पहुंचे हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि 26 जनवरी को हिंसा के दौरान तस्वीरें जो सामने आई थी उसमें करीब करीब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया था कि 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसे में आज अमित शाह उनसे मिलने पहुंचे हैं और उनका हालचाल भी जाना है। बड़ी खबर आप तक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट के लिए आप लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 26 जनवरी को हिंसा हो गई थी, ऐसे में कई पुलिसकर्मी 300 से ज्यादा जिनकी संख्या बताई जा रही है वो जख्मी हो गए थे, उनका आज हालचाल जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और उनका हालचाल जाना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।